जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर जीरो मीटर व्लॉग ऑफ मावर एंड अलीज यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है वो एज यूजुअल मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। तो बेसिकली आज हम लोग सुबह बीच पर चले गए थे फिर, लेकिन मैंने वहाँ का भी नहीं कुछ बनाया क्योंकि काफ़ी लेट निकले थे हम लोग और मुझे टाइम नहीं मिला। तो बस रील्स वगैरह बना के पिक्चर्स वगैरह लेके हम लोग वापस आ गए थे। तो अली भी जो है वो कंटिन्यूसली शूट्स में बिजी हैं, तो फिर मैंने सोचा कि आज कोई शेजी के साथ ही जो है ना ब्लॉग बना लेते हैं। अभी शेजी जो है वो गया हुआ है, सारे ये लोग गए हुए हैं। मैंने बच्चों को सुलाना था, बच्चों ने स्कूल जाना था, इसलिए मैं नहीं गई। अब मैं बच्चों को अपने कमरे में सुला के यहाँ शेजी के ही कमरे में जो हूँ शॉट लेने आई हूँ। तो आज बेसिकली मैं शेजी के साथ करने जा रही हूँ प्रैंक। One hour later. ये जी अली भी आ गए हैं, अली और मामू भी आ गए हैं शूटिंग से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं अंदर बच्चों को सुला रही थी, एक सो गई है और एक ने नहीं सोना। हेलो व्यूअर, मैंने कहा इतने दिनों से व्लॉग नहीं बना तो कोई व्लॉग बना ले आज। जी जी करें करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप खैर से होंगे, ठीक होंगे, मजे में एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी मैं खाना खा रहा हूँ और काफ़ी दिनों बाद मैं ये मटन कुन्ना खा रहा हूँ स्पेशल। और शहीद सब गए हुए थे ये लोग सारे, और मटन कुन्ना लेके आए हैं तो उसको जरा ईट कर रहा हूँ मैं। और क्या, और कुछ भी नहीं। और ये कि हमने काफी दिनों से जो है ना कोई व्लॉग नहीं बनाया, कल शेजी ने भी जो है एक दो दिन में चले जाना है, तो कोई मैं सोच रही थी आज उसके साथ प्रैंक कर लेते हैं। इसके साथ शेजी के साथ? हाँ शेजी के साथ। हाँ वैसे आइडिया अच्छा है, बुरा नहीं है वैसे आइडिया। है मामू जी, शेजी के साथ कोई प्रैंक शूट कर लेते हैं आज, क्या कहते हैं आप? टॉपिक सोचे, अब क्या करें? आइडिया यार। हाँ जी आइडिया आया, जोर से आया। क्या है? मुझे क्या बता? मैं चाह रहा हूँ एक काम करते हैं, मैं चाह रहा हूँ वो शेजी और अम्मा पे प्रैंक करते हैं। हैं शेजी और अम्मा पे कोमल को और रिजा को साथ ऐड करते हैं। फोन जो शेजी कमर में छुपा देते हैं, बाबा से सो रहे हैं तो वहाँ पे करते हैं ताकि कुछ लड़ाई कर लेंगे शेजी के साथ। तो लड़ाई कर लूंगा मैं अम्मा भी, शेजी को भी एकदम चार क्या हो एकदम और अम्मा भी थोड़ा सा रेड कर लेगी तो मेरा एक अच्छा सा गुलाव निकल आएगा। प्रैंक ऑन शेजी एंड अम्मा, यस ये आइडिया ओके है, गुड है, गुड गुड। चलें ठीक है, मैं फिर कोमल और अलीजा को बुलाती हूँ इधर बाहर, शेजी के अंदर ये खाने में पूरा ठंडा। हां हां खाएं खाएं आप, खाएं खाएं आप, खाएं खाएं, नजर लगा सारा टाइम लगा दिया। अलीजा कोमल आना जरा, आना जरा भाई, आजो आजो यार। आज हम खाना खाते हैं, पहले मैं कुन्ना खाता हूँ तो मैं कबाब खाऊंगा, ठीक है ना? टेस्ट करो। नहीं अच्छा, जो काम करूँ मैं चाह रहा हूँ शादी के अलावा कुछ छुट्टी के लिए पैसा और शाम को ना तो वापस आएगा, हम अपना फोन शादी के कमरे में शेजी के साथ और अम्मा के साथ हम करेंगे प्रैंक। हम करना है फाइट करनी, मारना किटपाट करना है शेजी का। हाँ प्लीज 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 शेजी में किटपाट प्लीज। स्मॉल साइज, स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल? शेजी स्मॉल साइज बिल्कुल नहीं आ सकता और ना ही सर्शन पैक में आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा साइज में आ सकता है। मजेदार वानी खाया था आपने, मजेदार। अच्छा अच्छा चले भाई, अब जरा जल्दी प्लानिंग कर लें। नहीं सबर नहीं है, मैंने किरत को सुलाना है। हाँ इन्होंने शेजी आने वाला है, उसके आने से पहले कमरे में कैमरा छुपा दो। मैं जा रही हूँ छुपाने और हम जल्दी से करते हैं शूट। अम्मा पे और शेजी पे हम करेंगे फोटो शूट, है? चलो आगे प्रैंक करेंगे। चलो ओके। तो यार कैमरा छुपा लें, कहाँ पे छुपाएं कैमरा? ऊपर ज्यादा दूर हो जाएगा वो, फिर आवाज ना सही आई अगर वो, तो अलग से रख लो ना ऑडियो के लिए। चलो
हाँ ऐसे कर लेते हैं और इसके पीछे दिखाओ, इस डब्बे के पीछे छुपा लेते हैं। हाँ कहाँ पे जैसी नीचे आ गए, ठीक है ओके। Few minutes later. मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी आपसे बात भी नहीं की है। वही मुझे क्या पता, मैं अभी भी आया ही हूँ घर। नहीं मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह, परसों परसों आ जाऊंगा मैं इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ओके। Few moments later. मैंने इतना बुरा कुना उसका, वो मतलब आपके खाने में ऐसे नहीं जाना चाहिए, इतना जायका खराब उसका भूसा कुना करके आया करके खाने में बिल्कुल सही लगा था। हाँ जी अभी मेरे से वॉमिट किया, फिर वॉमिट लगा के आया है पागल, इसको कोई काम किया तो एक्चुअल नहीं, वैसे भी ठीक ठाक किया इसने भी काम कभी। फल कह दो देख लिया फल से लिखा था, किसी से बार्गेनिंग करनी हो ये काम मेरा काम नहीं कि मैं ये फल लेके और सब्जियां लेके तो जो काम है मेरा मैं वही करूंगा ना, आपके पूजा कर दिया। हेलो ये वेलकम है जीरो मीटर भी ना, तो क्यों आप सारे घर के काम भी करते बाद में फाइल लेके आते हैं। हां मैं नहीं करूंगा, इसे कोई कुछ कह दो भाई, तुम एसी करा लो फ्रंट ही करा लो, मुझे नहीं होता, मुझे नहीं आता, मेरे से नहीं होता, ये मेरा काम नहीं है। जैसे तुम सुन लिया मुझे हट कर, ऐसे काम करते हैं बेटा जरा तमीज से मेरी बेला, मैं जरा फिर ले आ दूंगी, मैं फिर करूंगा क्या हुआ है बेला बेला, मतलब क्या हुआ बेला, मैं सामने बैठ कर बोलूं कुछ ना, मैं बछुने का करता हूं गाड़ी कर ले तुमने यार, इसको जाओ यार गाड़ी कर ले, अंकल ने फिर भी गटर में घुटना हुई है यार, खाया उसको ने स्मेल आ रही थी, मैं उल्टा हो गया मैं, तो मुझे क्या पता मैंने भी रात खाया भाई, मुझे तो नहीं है तुम्हारा पेट है तुम्हारा, तुम भी खा लेते हो उसने भी खाया, मैंने भी खाया, उसने भी ये खाया, उसने भी मटर की पट्टी बने, तुमने वो भी खाया ना, पकड़ से बात कर रहा हूं उससे, क्या उससे बात करो, मैं जो मर्जी बोलो तुम्हें कर रहा उसमें अपना दिमाग के ऊपर चढ़ गया फोन दो इधर यार, मैंने कोई धक्का नहीं दिया, ये खुद ऐसे
जोर बोल रहे हैं इधर दिखाओ फोन में और ये खुद ऐसे हुए और ये खुद ऐसे हुए क्या हो गया मैं इसको जरा समझाओ मेरी बेगम सामने बैठी है मैं बाद में कोई इधर याद नहीं मैं ऐसे की तैसी क्या हो गया ये आप देखो मैं कोई लिहाज नहीं का माँ बीच में खड़ी हुई दोनों एक दूसरे के कोई ज़्यादा बात नहीं है भी ये फालतू में ज़्यादा नहीं मतलब शादी होगी तो सब आपके से बाहर हो रहे हो तो मैंने यही क्या कि भैया पास उधर खड़ी है तेरा अपना आराम से बात करो माँ बीच में खड़े तो फिर भी आप अभी आए हो आप तो अभी यार मैंने तो मुझे कहा ही नहीं है वो मुझे सारी क्या आप बेटा ये ना उसके मैं खड़ी हूं तो मुझे आवाज आ रहा है काम करो जाओ आप आप इसको भी आप बता रहे हो ना कि मैं कोई बोल रहा नहीं हूं कि लोगों को एक सेकंड मुझे बताओ बड़े के लोग दोनों को क्या बता रहे हो कि हमारी मां के सामने तुम भी टकर 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 आप फजूल बात ये हो जाती है भाई ये फजूल और कुछ भी नहीं है बोल रहे क्या तरीका काम कर रहे हो आप बात सुनो तुम दोनों जो ना अपनी आवाजें नीचे रखो मेरे सामने लाउड हो रहे हो तुम दोनों आप मेहरबानी फरमाते अस्सलाम वालेकुम हजरात आपसे गुजारिश की जाती है कि आप प्लीज अपने यार रखो यार और बाद में मैंने जूती उतार ली ना यार बाहर जाओ यार लेकिन नीचे तक कोई लिहाज नहीं करा कि शादी होगी या नहीं होगी बाहर जाओ यहां से चलो शोर ये झरने से कर रहे हो ये तो बोले झरने से कर रहे हो बाहर जाओ यार और मुझे कह रहे हैं आप मार रही हो उसको कहो आप चलो मैं कह रही हूं यार मुझे अभी ये ना दोनों ये मार रहे हो आपको मेरी आवाज नहीं आ रही तुम बड़े का बड़े हो आप तो बड़ी हो तब मैं आपको बेटा हूँ मैं तुम्हारी माँ हूँ अब जाओ हाँ जाओ इसको जाओ इसको लेके जाओ इसके कमरे में हाँ लेके जाओ चलो जाओ यहाँ से चलो ज़्यादा ज़्यादा मैं आया मैं तेरे बस का तो मैं भी कह रहा हूँ यार इसको भाई अपने मुंह बंद रखे वो बड़ा है ना वो बोल रहा है तो बड़ा कह रहा है क्या बोल रहा है क्या है फालतू आप भी हाँ तो मैंने बस किया वही आके तो बढ़िया तो क्या हुआ वो तो गलत जो जो चीज गलत है जो चीज गलत है
माय वाइफ मौर अली हुसैन शहजी भाई कोमर शहजी हुसैन रिजा अली फजल हुसैन उन सब ने मिलकर हम लोगों ने प्लान किया था कि हम आज आपके साथ और असदुल्लाह राव शहजी मोटा के साथ हम एक प्रैंक करेंगे और प्रैंक का हमारा ये वाला जो आपने हमारा प्रैंक दिखा नेक्स्ट टाइम ये लड़ाई की प्रैंक ना हो अच्छा लगा होगा हैव अ बाय बाय मेरे बच्चे सोना लेजी फाइनली आदमी इस मोटे के साथ हम लोगों ने शहजी के साथ एक प्रैंक कर लिया उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छा प्रैंक नहीं हुआ होगा बहुत ही ठीक प्रैंक होगा मैंने सीरियस बोला था अपना मुंह दिखा तुमने सीरियस लगता है और अम्मा का और मेरी अम्मा आज फुल गुस्से में आ गई है ये मुझे आपको अच्छा लगे मुझे आपने ना फालतू में ये मार दिया मुझे नहीं इसका कुछ भी जरा पता आपको अच्छा लगे या ना लगे हमको कोई टेंशन नहीं हमने बनाना था व्लॉग और हमने बना लिया ये व्लॉग नहीं होता इस व्लॉग भाई जो भी होता है लोगों को समझ आ रहे ना व्लॉग है व्लॉग है व्लॉग है या वी लोग है जो भी है व्लॉग है जो भी है लोगों को पता हम व्लॉग कह रहे हैं क्यों जी दही बल्ले सॉरी मैंने इसको बोला था कि 100 रुपए की दही बल्ले की प्लेट होती है ना ये भल्ला हो जाए 400 रुपए की लड्डू पीठ वाली प्लेट वो नहीं देखो सुनिए देखो देखो सुनिए अपना पेट देखा अपना इतना बड़ा पेट अब मैं तुम्हें कुछ बोलूंगा सबके सामने तुमने अंदर जाके अंदर जाके फिर से मुझे कहना है आप मेरे सबके सामने बैठी रहे थे मैं से कुछ कहना नहीं चाहता हूँ इसलिए प्लीज अपनी इज्जत अपने जेब में रखो सर चलो जी व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी अम्मा का ये एक्सप्रेशन बिल्कुल पसंद आया होगा और हमारा ये इस मोटे के साथ प्रैंक जो है वो आपको पसंद आया होगा अब ये चढ़ गया है इतनी जरूरत नहीं किसी में वो प्रैंक करे बोलो नो आपके चाचू के भी खून बीच में है हाँ, सारे शामिल है बीच में चलो जी तो आज के व्लॉग आप लोगों को उम्मीद करता हूँ बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा और अगर नहीं पसंद आया होगा तो कोई थोड़ा पसंद कर लिया हमारे खाते अब मुझे चढ़ गया बहुत सांस हाय दर्शन अब मैं जा रहा हूँ करने रेस्ट क्योंकि मैं सुबह से शूटिंग पे जाके काम करने लगा हूँ और अब बिल्कुल थक गया हूँ मेरे हिम्मत नहीं है और यूँ हाथ करके मैं यूँ व्लॉग करूँ इसलिए मैं अपना ये व्लॉग यहाँ पे करता हूँ एंड और मिलता हूँ सोल अपनी फैमिली से नेक्स्ट जीरो कोई बात नहीं तो आज के लिए इतना ही काफी है आज का ये हो गया करते हैं इसको एंड और फिर मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में और जिसने अभी तक हमारा ये मावरा अली यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया वो अभी फौरन भागता भागते जाए साइकिल में जाए मोटरसाइकिल में जाए पैदल जाए गाड़ी में जाए जहाज में जाए शिप में जाए बांदर में बैठ जाए होते बैठ जाए जिस मर्जी में बैठ जाए जरूर जाए और जाके मावरा अली जाएगी वो फौरन भाग के जाए और हमारे यूट्यूब चैनल पे जाए और जाके बेल का आइकन जोर से दबा के आए जैसे बचपन में वो 7 लोगों की घंटी में जाकर भागता था ना इस तरह जाके हमारा यूट्यूब चैनल का बटन दबाए हमें लाइक करें भागना नहीं आपने यही रहना जब इसे बोल रहा था बुरा ना करो मैं बर्दाश्त नहीं था ये ना ये ऐसे ही पढ़ना और दबा के फेंक आना जाकर तुमने खैर एनीवेज अब मैं जा रहा हूं सोने के लिए फाइनल टाटा बाय बाय सी यू सून नेक्स्ट व्लॉग में हमारा चैनल लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा शेयर करिएगा और हमें फॉलो करना मत भूलिएगा मिलते हैं अगले व्लॉग में बाय बाय टेक केयर लव यू आपको भी लव यू खुदा हाफिज़